सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो के बारे में। ये कहानी है नताशा रोमानोव की और इस कहानी में हमें पता चलता है कि नताशा रोमानोव कैसे ब्लैक विडो बनी और एवेंजर्स के अलावा वो कौन लोग हैं जो उसकी जिंदगी में मायने रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1995 का वक्त देखने को मिलता है और जगह होती है ओहायो और यहाँ पे हम दो छोटी छोटी बच्चियों को खेलते हुए देखते हैं जो एक दूसरे को बहन कहते हैं और इसमें जो बड़ी लड़की है उसका नाम है नताशा रोमानोव और छोटी लड़की का नाम है येलिना। और जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तभी अचानक येलिना जमीन पे गिर जाती है और उसके घुटने पे चोट लग जाती है। तभी यहाँ पे इनकी माँ आती है जिसका नाम होता है मेलिना। फिर वो येलिना को समझाती है और कहती है कि दर्द तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाता है और कभी भी दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दो और उसे अपने आप को कमजोर मत बनाने दो। और अब जल्दी ही रात हो जाती है और जब रात को ये सारे लोग खाना खाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे एलेक्सी आता है जिसे नताशा और येलिना पापा कह के बुलाते हैं और एलेक्सी यहाँ पे बहुत ही उदास नजर आता है और मेलिना उसे पूछती है कि क्या हुआ और एलेक्सी कहता है कि हमारे पास बस एक घंटा है और मेलिना कहती है कि क्या तुम्हें वो फ्लॉपी मिली और वो कहता है कि हाँ। और इतना कहते ही एलेक्सी दोनों बच्चों से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि यहाँ पे एक आपातकालीन स्थिति आने वाली है और वो स्थिति आ चुकी है इसीलिए अभी हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अब यहाँ ये लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि अपना पूरा सामान भी पैक नहीं करते हैं और एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से झटपट निकलने लगते हैं। तभी येलिना एलेक्सी से कहती है कि मुझे अपना फेवरेट गाना सुनना है और एलेक्सी वो गाना बजा भी देता है और येलिना वो गाना गुनगुनाने लगती है। तभी ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही एलेक्सी मेलिना को कहता है कि तुम प्लेन निकालो और मेलिना प्लेन निकालती है और उसे स्टार्ट भी करती है और दोनों बच्चे उसी प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन एलेक्सी अपनी बंदूक लेकर के आगे निकल जाता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जल्दी ही पुलिस आने वाले हैं। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं और वो अंधाधुंध इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और एलेक्सी भी उन पे गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच मेलिना को एक गोली लग जाती है। फिर वो नताशा को गाइड करने लगती है कि हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाना है और मेलिना जैसा जैसा कहती है नताशा वैसा करते जाती है और अब जल्दी ही एलेक्सी भी चला आता है हेलीकॉप्टर के ऊपर और वो गोलियां चलाने लगता है और अंत में नताशा हेलीकॉप्टर को उड़ाती है और ये लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। और अब सारे लोग पहुँचते हैं क्यूबा और यहाँ पे हम जनरल ड्रेको नाम के एक आदमी को देखते हैं और अब हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। मेलिना और एलेक्सी नताशा और येलिना के पिता नहीं है। मेलिना एक ट्रेंड सोल्जर और जासूस है और एलेक्सी एक सुपर सोल्जर है जिसे सारे रेड गार्डियन कहकर बुलाते हैं। और एलेक्सी यहाँ पे ड्रेको को वो फ्लॉपी देता है और कहता है कि वो जल्दी ही रेड गार्डियन के सूट को पहनना चाहता है क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स वाले काम करना चाहता है ना कि खुफिया जासूसों वाला। और फिर ये लोग येलिना को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो घायल है और अब इन दोनों बच्चियों को भी लेकर के ये लोग जाने लगते हैं ताकि उन्हें ये रेड रूम की ट्रेनिंग दे सके लेकिन ये दोनों वहाँ जाना नहीं चाहते। तभी एलेक्सी इनके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अगर मजबूत बनना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। एलेक्सी इनका पिता नहीं है फिर भी कहता है कि मेरी बच्चियाँ सबसे मजबूत हैं। और अब ये लोग दोनों को लेकर के चले जाते हैं और इन्हें एक खुफिया जगह पे लेकर के जाया जाता है जहाँ इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन अलग होते समय नताशा येलिना को एक तस्वीर देती है जिसमें ये दोनों एक साथ हैं और अब इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और इन दोनों की तालीम शुरू होती है। और ऐसे ही 21 साल का वक्त बीत जाता है और ये वही वक्त है जब सरकार इनके पीछे पड़ी है। ये सिविल वार के बाद का वक्त है जब सरकार नताशा और कैप्टन अमेरिका के पीछे पड़ी है और ये सारे लोग नताशा को ट्रैक भी कर रहे हैं पकड़ने के लिए। तभी नताशा उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊंगी, तुम लोग बस अपना वक्त जाया कर रहे हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो नहीं तो अगर हमने तुम्हें पकड़ा तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और नताशा कहती है तो ठीक है अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और अब ये सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ट्रैकर है और ये देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रैकर है, नताशा नहीं है। और हमें पता चलता है कि नताशा यहाँ से बहुत ही दूर चली गई है। और अब हमारे सामने मोरक्को का दृश्य आता है और हम येलिना को देखते हैं और अब इसकी रेड रूम की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और येलिना भी एक ब्लैक विडो बन चुकी है। और यहाँ ये सारे लोग अपने जैसे ही एक ब्लैक विडो को ढूंढने आए हैं जिसने इन सब के खिलाफ बगावत की है। और अब येलिना जल्दी ही उस ब्लैक विडो के पास पहुंच जाती है और उसे लड़ने लगती है और अंततः उसे मार भी देती है। तभी वो ब्लैक विडो एक रेड केमिकल निकालती है और उसे येलिना के ऊपर छोड़ देती है और जैसे ही ये केमिकल येलिना की आंखों में जाता है ऐसा लगता है कि येलिना वापस होश में आ गई हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेड रूम सारे ब्लैक विडोज को कंट्रोल करके रखता है और ब्लैक विडो वही करती है जो वो उससे करवाते हैं। तभी वो लड़की येलिना को वो रेड केमिकल्स का डब्बा देती है और कहती है कि अब सबको तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। और इस बात को सुनते ही येलिना अपने पैर में चाकू मारती है और वो अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल करके बाहर फेंक देती है और यहाँ से भाग जाती है। और अब हम फिर से नताशा को देखते हैं जो कि नॉर्वे आ चुकी है और यहाँ पे नताशा एक आदमी से मिलती है जिसका नाम है रिक मेसन। और नताशा की दोस्ती इससे तब से है जब नताशा शील्ड में हुआ करती थी। फिर रिक यहाँ पे नताशा को सारी जरूरी चीजें देता है जैसे कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। तभी हम ड्रेको को देखते हैं और ड्रेको को पता लग गया है कि ब्लैक विडो को वो रेड केमिकल मिल चुका है इसलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि टास्क मास्टर को एक्टिवेट करो। टास्क मास्टर एक सुपर सोल्जर है
और उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सामने वाले की लड़ने की तकनीक बहुत ही जल्दी सीख लेता है, इसीलिए उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अब हम फिर से नताशा को देखते हैं। भरी के यहाँ पे नताशा को सारी चीजें देने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तभी नताशा पूछती है कि ये पार्सल कैसा है। भरी कहता है ये पार्सल तुम्हारे लिए बुदापेस्ट में आया था। फिर नताशा कहती है कि उसे बुदापेस्ट की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और रिक कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो इसे कचरे में फेंक देना। फिर रिक यहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे रात हो जाती है और जल्दी ही जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए अब नताशा को शहर जाना पड़ता है फ्यूल लेने के लिए। और जब वो रास्ते में जा रही होती है तभी टास्क मास्टर उस पर हमला कर देता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। और अब लड़ते लड़ते टास्क मास्टर रुक जाता है और वो नताशा की गाड़ी की तरफ जाने लगता है। और इस चीज को देखते ही नताशा समझ जाती है कि ये उसे मारने के लिए नहीं आया बल्कि वो बुदापेस्ट वाली चीजें लेने के लिए आया है, लेकिन नताशा नहीं चाहती कि वो इन चीजों को लेकर के जाए, इसीलिए वो टास्क मास्टर से फिर से लड़ने लगती है। लेकिन जल्दी ही टास्क मास्टर उसे एक जोर का किक मारता है और नताशा नीचे पानी में गिर जाती है। और अब जैसे ही टास्क मास्टर उस बॉक्स को खोलता है जिस बॉक्स को वो लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, तब उसे वो बॉक्स खाली मिलता है क्योंकि नताशा ने इसके अंदर की चीज निकाल दी है और इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि रेड केमिकल्स थे। और नताशा जैसे ही उन रेड केमिकल्स को देखती है यहाँ पे उसे वही तस्वीर मिलती है जो बचपन में उसने एलिना को दिया था। और नताशा समझ जाती है कि ये एलिना ने उसके लिए भेजा है। और अब इसीलिए नताशा पहुंचती है बुडापेस्ट और वहां पे उसकी मुलाकात होती है एलिना से। और यहाँ पे ये दोनों थोड़ी देर तक लड़ते हैं और फिर एलिना नताशा को सारी बात बताती है और कहती है कि रेड रूम ने अभी भी ब्लैक विडो को अपने वश में कर रखा है और उनके सम्मोहन से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि हम सारी ब्लैक विडोज को ये रेड केमिकल दें, तभी वो रेड रूम के कंट्रोल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन रेड रूम को सुनते ही नताशा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि अब रेड रूम को कौन चला रहा है, मैंने बहुत पहले ड्रेको को मार दिया था और ड्रेको ही रेड रूम चलाता था। और एलिना इस बात को सुनकर हंसती है कि नताशा ने ड्रेको को मार दिया था। और अब यहाँ पे हमें नताशा की जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट भी देखने को मिलता है। नताशा ने जब ड्रेको को मारा था तो उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी मार दिया था, लेकिन नताशा उसकी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन वो अचानक से उसके रास्ते में आ गई क्योंकि नताशा ने ड्रेको के ऑफिस में बॉम्ब लगाया था और जब वो बॉम्ब फूटने वाला था तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ गई। लेकिन यहाँ पे एलिना इस बात को कन्फर्म करती है कि ड्रेको अभी भी जिंदा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी इन पे बहुत सारी ब्लैक विडोज हमला कर देती है और अब इन दोनों की लड़ाई होती है बहुत सारे ब्लैक विडोज से। लेकिन ये लोग किसी को भी मारना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि इनका नियंत्रण रेड रूम के पास है। और ब्लैक विडोज से निपटने के बाद ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं इनके पीछे आ जाता है टास्क मास्टर। और टास्क मास्टर बहुत ही खतरनाक है, वो इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जहाँ भी जाते हैं टास्क मास्टर उनके पीछे लग जाता है और जल्दी ही टास्क मास्टर एलिना के एक हाथ को घायल कर देता है। लेकिन ये लोग भागते रहते हैं और फिर नताशा अपना दिमाग लगाती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और टास्क मास्टर इन्हें कहीं और ढूंढने लगता है। और अब ये लोग पहुंचते हैं रिक के पास और यहाँ पे इन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है क्योंकि अब ये दोनों इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। तभी हमारे सामने एलेक्सी का दृश्य आता है और एलेक्सी अभी जेल में है लेकिन वो यहाँ भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और वो सारे लोगों से पंजा लड़ा रहा है और उन्हें हरा भी रहा है। तभी उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है और जब एलेक्सी उस पार्सल को खोलता है तब उसे रेड गार्डियन का एक खिलौना मिलता है। और जब वो खिलौने को देखता है तभी खिलौने का सर उसके हाथ में आ जाता है और उसी सर के अंदर उसे एक ईयर पीस मिलता है। और वो जैसे ईयर पीस को अपने कान में लगाता है उसे नताशा की आवाज सुनाई पड़ती है और नताशा उसे कहती है कि अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और अब एलेक्सी तोड़ फोड़ करता हुआ यहाँ से बाहर निकलता है लेकिन वो जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला होता है वो नीचे गिर जाता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ गार्ड्स भर जाते हैं और जैसे ही नताशा ये सारी चीजें देखती है वो खुद नीचे आ जाती है और आने के बाद सारे लोगों से लड़ने लगती है। तभी यहाँ पे बर्फ का तूफान आने लगता है और एलेक्सी को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, लेकिन अंततः नताशा उसे बचा लेती है और लेकर के जाती है अपनी हेलीकॉप्टर में। और अब ये दोनों एलेक्सी से पूछते हैं कि हमें अभी के अभी बताओ कि रेड रूम कहाँ पे है। और एलेक्सी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता बल्कि खुद उन लोगों ने मुझे धोखा देकर के मुझे जेल में डलवा दिया। और अब ये दोनों एलेक्सी को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी एलेक्सी कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें मेलिना के पास जाना चाहिए क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सोल्जर था, ड्रेको का पूरा दिमाग मेलिना ही थी। और इस बात को सुनते ये दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो अब तक ये लगता रहा कि मेलिना मर चुकी है। तब एलेक्सी कहता है कि वो मरी नहीं है, मेलिना अब भी जिंदा है और वो रेड रूम के लिए अभी भी काम कर रही है। और अब ये सारे लोग पहुंचते हैं मेलिना के पास और यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो होता है एलेक्सी। वो कहता है कि हमारा सारा परिवार फिर से एक साथ आ गया। और अब एलेक्सी जल्दी ही अपना रेड गार्डियन वाला सूट पहन लेता है और अब यहाँ पे सारे लोग परिवार की बातें कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा एलेक्सी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद नताशा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप लोग हमारे माता पिता नहीं है और ये हमारा परिवार भी नहीं है। तभी एलेक्सी कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की एक अच्छा पिता बनने की, तुम लोग भले ही मेरे अपने बच्चे नहीं थे लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और मैं आज भी तुम्हें अपना बच्चा मानता हूँ।
लेकिन नताशा इन सारी बातों को सुनना तक नहीं चाहती है। वो बार बार इन्हें कोसती रहती है और इस बात को सुनने के बाद एलिना गुस्सा हो जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे लिए यही सच्चाई थी। मैंने कभी भी अपने असली माता पिता को नहीं देखा, इसीलिए मैं इन्हें ही अपना असली माता पिता मांगती हूँ। वो लम्हा जो सबके लिए झूठ था, अगर मेरी जिंदगी में कोई लम्हा सबसे ज्यादा सच था तो वही था, और वो मेरी जिंदगी के हसीन पल थे। और इतना कहने के बाद एलिना और भी ज्यादा भावुक हो जाती है और यहाँ से चली जाती है, और एलेक्सी भी उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो उसे मना सके। तभी मेलिना और नताशा दोनों बातें करते हैं और मेलिना नताशा को बताती है कि तुम अनाथ नहीं थी, तुम बहुत खास थी इसीलिए तुम्हें चुना गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तलाश कभी भी बंद नहीं की। वो लंबे समय तक तुम्हें ढूंढती रही और अंत में ड्रेको ने तुम्हारी माँ को मरवा दिया। और मेलिना यहाँ पे ये भी बताती है कि तुम लोगों ने सिर्फ रेड रूम की ट्रेनिंग एक बार देखी है, मैं उस रेड रूम की ट्रेनिंग से चार बार गुजरी हूँ। और यहाँ पे इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि ये परिवार इन दोनों को चाहिए, भले ये लोग इस बात को ना माने लेकिन ये दोनों पूरे परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तभी अंत में मेलिना बताती है कि उसने रेड रूम को अलर्ट कर दिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे आते होंगे। और दूसरी तरफ हम एलिना और एलेक्सी को देखते हैं। एलेक्सी यहाँ पे एलिना को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एलिना अभी भी भावुक है, इसीलिए एलेक्सी वो वाला गाना गाने लगता है जो एलिना बचपन में सुना करती थी, और उस गाने को सुनते ही एलिना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी यहाँ पे रेड रूम हमला कर देता है और वो सबसे पहले एलेक्सी को बेहोश करते हैं और उसके बाद बाकी लोगों को भी बेहोश करके यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। और यहाँ पे मेलिना पहुँचती है ड्रेको के पास और एलेक्सी और नताशा को जेल में बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ एलिना पे ये लोग रिसर्च करने वाले हैं। और अब यहाँ पे मेलिना और ड्रेको बातें करते हैं और ड्रेको कहता है कि एक बार फिर से तुमने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान ड्रेको को ये बात पता लग जाती है कि ये मेलिना नहीं बल्कि नताशा है, और मेलिना और नताशा दोनों मिले हुए हैं और मेलिना ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोनों के चेहरे बदल दिए हैं। इसीलिए मेलिना बहुत ही जल्दी जेल से बाहर आ जाती है और वो एलेक्सी को भी जेल से बाहर निकालती है, और एलेक्सी इस बात को समझ नहीं पाता है कि आखिर नताशा ने यह कैसे किया। तभी मेलिना कहती है कि मैंने ही इन जेल्स को डिजाइन किया है, इसीलिए मुझे पता है कि इन्हें कैसे खोलना है। और एलेक्सी इस चीज को देख करके चौंक जाता है कि ये नताशा नहीं बल्कि मेलिना है। और यहाँ पे एलेक्सी नताशा से बातें करने की कोशिश करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तभी मेलिना उससे कहती है कि तुम्हारे कानों में ईयर पीस नहीं है इसीलिए नताशा तुम्हें सुन नहीं सकती। और एलेक्सी कहता है कि आखिर मेरे पास ईयर पीस क्यों नहीं है। मेलिना कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ईयर पीस था और वो हमने एलिना को दिया है। तभी हम ड्रेको और नताशा को देखते हैं और यहाँ पे ड्रेको को पता लग जाता है कि नताशा अभी भी गिल्ट में है कि उसने उसकी बेटी को मारा है। अभी वहाँ पे ड्रेको टास्क मास्टर को बुलाता है और हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि ड्रेको की बेटी है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो मरने की हालत में थी, तब ड्रेको ने उसे एक सोल्जर बना दिया और उसके दिमाग में एक ऐसी चिप डाल दी जिससे वो किसी को भी कॉपी कर सकती है और वो किसी की भी लड़ने की तकनीक सीख सकती है। और यहाँ पे हम ड्रेको की बेटी एंटोनियो का चेहरा देखते हैं। उस हादसे ने उसके चेहरे को एकदम बर्बाद कर दिया है और ड्रेको ने उसे मानसिक तौर पे एक रोबोट बना दिया है, इसीलिए वो वही करती है जो उसे कमांड दिया जाता है। तभी हम एलिना को देखते हैं और मेलिना उसे ईयर पीस को दोबारा बताती है कि उसकी दाई वाली जेब में एक चाकू है, और अब एलिना उस चाकू की मदद से उस लैब से बाहर आ जाती है। तभी ड्रेको अपनी बेटी यानी टास्क मास्टर को कहता है कि जाओ और सबको खत्म कर दो, यानी कि एलेक्सी, एलिना और मेलिना को। और अब टास्क मास्टर यानी एंटोनियो उन्हें मारने के लिए निकल पड़ती है। तब नताशा ड्रेको से कहती है कि तुमने अपने सुरक्षा कवच को यहाँ से भगा दिया और टास्क मास्टर इस कमरे में थी इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही ड्रेको पे हमला करने की कोशिश करती है, तभी उसका शरीर फ्रीज हो जाता है और वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर पाती है। और अब ड्रेको यहाँ पे नताशा को बताता है कि रेड रूम की ट्रेनिंग के दौरान हम एक ऐसे नस को डेवलप करते हैं जिसकी मदद से कोई भी ब्लैक विडो कभी भी मेरे पे हमला नहीं कर सकती, इसीलिए तुम क्या कोई भी ब्लैक विडो मुझे कभी भी नहीं मार सकती। और इस बात को सुनते ही नताशा ड्रेको को भड़काने लगती है, क्योंकि नताशा को पता है कि वो नस कहाँ पे है। वो नस कपाल के बीचों बीच है। और अब नताशा ड्रेको को भड़काती जाती है और ड्रेको उसे मारता जाता है। और अब दूसरी तरफ हम एलेक्सी को देखते हैं जो कि टास्क मास्टर से लड़ रहा है, और मेलिना पूरे रेड रूम को तबाह करने में लगी हुई है क्योंकि पूरा का पूरा रेड रूम आसमान में स्थिर है, इसीलिए वो यहाँ के इंजन को ही बंद कर रही है ताकि रेड रूम यहाँ से तबाह हो जाए। तभी हम नताशा को देखते हैं जिसे अभी भी ड्रेको मार रहा है, और अब नताशा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है इसीलिए वो अपना सर पटक लेती है टेबल पे, और वो अपने सर को ऐसे पटकती है ताकि उसका नस डीएक्टिवेट हो जाए। और ऐसा ही होता है, नताशा का नस डीएक्टिवेट हो जाता है और वो ड्रेको को मारने लगती है। तभी यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक विडोज आ जाते हैं और ड्रेको कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना, और इतना कहने के बाद ड्रेको यहाँ से भाग जाता है और सारे के सारे ब्लैक विडो नताशा पे हमला कर देते हैं और नताशा उनसे लड़ने लगती है, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए नताशा इनका मुकाबला नहीं कर पाती। और अंत में ये लोग नताशा को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एलिना आ जाती है
और वो हवा में रेड केमिकल्स को ब्लास्ट कर देती है। और जैसे ही ये ब्लैक विडो रेड केमिकल के चपेट में आते हैं, इनके ऊपर से रेड रूम का नियंत्रण हट जाता है और वो नताशा को छोड़ देते हैं। और अब नताशा पहुंचती है मेन रूम में और उसने ड्रेको की वो अंगूठी चुरा ली है जिससे वो सारी दुनिया के ब्लैक विडोज को कंट्रोल करता है। और अब इस अंगूठी की मदद से वो मेन कंप्यूटर में घुस जाती है और दुनिया के सारे ब्लैक विडोज पर से रेड रूम के नियंत्रण को हटा देती है। तभी हम मेलिना को देखते हैं जिसके पास एक हेलीकॉप्टर है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर एलेक्सी भी है और ये दोनों नताशा और एलिना को ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जल्दी ही रेड रूम तबाह होने वाला है, लेकिन वो दोनों इन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी हम नताशा को देखते हैं जो कि ड्रेको के शिप की तरफ आ रही है कि वो यहाँ से भाग ना जाए। तभी वो देखती है कि एलिना यहीं पे खड़ी है और वो ड्रेको के प्लेन को तबाह करने वाली है, लेकिन नताशा देख रही है कि अगर वो प्लेन तबाह करेगी तो वो नीचे गिर जाएगी, इसीलिए वो एलिना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना कहती है कि मुझे तो ये करना ही है और वो उस प्लेन को तबाह कर देती है और ड्रेको मर जाता है, लेकिन एलिना भी अब नीचे गिरने लगती है। तभी नताशा एक पैरासूट लेकर के आसमान में कूदती है और वो जल्दी ही एलिना के पास पहुँच करके उसे पैरासूट पहना देती है। तभी वो देखती है कि टास्क मास्टर उसके पीछे आ रही है और नताशा जानती है कि टास्क मास्टर उसे मारने के लिए आ रही है, इसीलिए वो एलिना के पैरासूट से दूर हट जाती है और खुद नीचे गिरने लगती है कि टास्क मास्टर कहीं एलिना पे हमला ना करे। और अब यहाँ पे नताशा और टास्क मास्टर के बीच हवा में ही लड़ाई होने लगती है और फिर लड़ते लड़ते ये दोनों जमीन पे उतरते हैं और दोनों सही सलामत होते हैं। और यहाँ पे एक बार इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है, लेकिन इस बार नताशा टास्क मास्टर को घायल नहीं करना चाहती क्योंकि वो जानती है कि टास्क मास्टर कौन है, इसीलिए वो बड़ी ही चलाकी के साथ टास्क मास्टर का हेलमेट निकालती है और फिर उस पर रेड केमिकल छोड़ देती है। और इस रेड केमिकल की मदद से एंटोनियो अपने पिता के कैद से बाहर चली आती है और होश में आते ही एंटोनियो नताशा से कहती है कि क्या वो मर गया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसका पिता मर जाए क्योंकि उसने इस पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। और नताशा कहती है कि हाँ वो मर गया। और अब नताशा पहुंचती है एलिना के पास और कहती है कि वो सारे लम्हे मेरे लिए भी बहुत खास थे। यानी नताशा भी इस परिवार को असली मानती है, वो मेलिना और एलेक्सी को माँ बाप मानती है और एलिना को अपनी बहन मानती है। और अब ये पूरा परिवार एक साथ होता है और सारे लोग इस परिवार को परिवार मानते हैं। तभी सारे ब्लैक विडोज बाहर आते हैं और वो एंटोनियो यानी टास्क मास्टर को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। और नताशा को पता लगता है कि सरकार के लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो मेलिना को कहती है कि आप सब लोग यहाँ से जाओ, अब मैं और नहीं भागना चाहती। और अब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब ऐसे ही समय बीतते जाता है और 2 सप्ताह का समय बीत जाता है और हम फिर से नताशा को देखते हैं जो रिक के पास पहुँचती है और रिक ने इस बार उसके लिए एक शानदार प्लेन रखा है। और नताशा को यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का संदेश मिल चुका है और उसे पता है कि थेनोस के लोगों ने पृथ्वी पे हमला कर दिया है, इसीलिए अब नताशा यहाँ से निकल रही है इन्फिनिटी वॉर के लिए। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें नताशा की कब्र दिखाई जाती है और यहाँ पे एलिना आती है और वो बहुत ही ज्यादा भावुक होती है अपनी बहन के लिए। तभी यहाँ पे वेलेंटिना नाम की एक औरत आती है और वो एलिना को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी बहन को किसने मारा है, और इतना कहने के बाद वो हॉकआई की तस्वीर दिखाती है और अब ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।